हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 21st लेक्चर ऑफ नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के रिमेनिंग टाइप डिस्कस करेंगे। नाउ स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली अबाउट दिस लेक्चर। आज जो भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करने वाले हैं उनके टाइप्स जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही रेयर, बहुत ही अनकॉमन हाइब्रिडाइजेशन है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये हाइब्रिडाइजेशन आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो हाइब्रिडाइजेशन आज मैं सिखाने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा कॉमन आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ही देखने को मिलेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये हाइब्रिडाइजेशंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट, इट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड दैट जब आप इनको नोटबुक में लिखो इनको स्टार मार्क करके लिखना, बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम में इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस। सबसे पहला जो हाइब्रिडाइजेशंस हम लोग अलग और रेयर केस में देखेंगे वो है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। ना अगर आप नाम से देखोगे तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल है, एस के और पी के कितने बच्चों दो है और एस का कितना है एक ऑर्बिटल है। अगर हम इसको इस तरीके से समझे sp2, तो sp2 तो हमको पता है स्टूडेंट्स। चलिए नोट्स ओपन करिए या फिर अगर आपको याद है तो मेरे साथ बोलिए व्हाट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक s ऑर्बिटल होगा, एक px होगा और एक py होगा, ठीक है ना। तो ये sp2 बनाएगा ट्राइंगुलर प्लेनर, परफेक्ट ट्राइंगुलर प्लेनर होगा। और वो कौन से प्लेन में होगा, xy प्लेन में होगा स्टूडेंट्स। तो अगर हम बात करें इसके मॉडल की तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन था बच्चों sp2 इस तरीके से ट्रायंगुलर प्लेनर। ये पूरा एक ही प्लेन में आ रहा, देखो मेरे पाम में आ गया, एडजस्ट हो गया, ठीक है। बट अभी इसमें एक डी ऑर्बिटल आ गया। तो स्टूडेंट्स ये जो डी ऑर्बिटल है, प्लीज रिमेम्बर दिस, इसमें जो डी ऑर्बिटल होता है वो याद रखना, बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, इट इज dx²-y²। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज dx²-y² एंड देन इसके अंदर आता है एक s ऑर्बिटल और p का कौन सा आएगा x और यहाँ पे p का दूसरा वाला कौन सा y। ना स्टूडेंट्स, जो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो फोर्थ वाला आ रहा है वो बच्चों इसको परपेंडिकुलर नहीं आ रहा है। sp3 में क्या हो रहा था, यहाँ पे pz हुआ करता था। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए बोल रहा हूँ, कोई भी कंपाउंड कार्बन का अगर होगा वो ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं बनाएगा। इसमें भी अगर आप देखने जाओ तो चार ही बॉन्ड बन रहे, बॉन्ड तो चार ही बन रहे, बट ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं बनाएगा बिकॉज ये कंपैरेटिवली sp3 के मुकाबले कम स्टेबल होता है। ऐसा क्यों मैं आपको बताता हूँ। जब हम sp3 की बात कर रहे थे तो हमारे पास ट्राइंगुलर प्लेनर था, उसके ऊपर फोर्थ वाला जो एटम आ रहा था वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन आ रहा था। तो इन दैट केस क्या हो रहा था, ये तीनों नीचे जा रहे थे और हमको बच्चों टेट्राहेड्रल शेप मिल रहा था इस तरीके से। बट यहां पे ऐसा नहीं है, जो फोर्थ वाला आ रहा है वो किस प्लेन का ही है, xy प्लेन का ही है। तो इसका मतलब वो ऐसे आएगा इस तरीके से। तो अगर वो इस तरीके से आएगा तो कहने से बच्चों वो तो चारों एक ही प्लेन में हो जाएंगे फिर। तो ये भाई साहब को थोड़ा सा इस तरीके से शिफ्ट होना पड़ेगा, आप देखेंगे तो इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला भी थोड़ा इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो कहने से ये वाला जो आ रहा है वो इस तरीके से क्यों आ रहा है, इसको परपेंडिकुलर क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज इट इज dx²-y², वो xy प्लेन वाला है बच्चों। तो ये जैसे ही यहाँ पे आएगा ये वाला भी सीधा हो जाएगा और ये वाला भी सीधा हो जाएगा और पिक्चर आपको सीधा होने के बाद इस तरीके की दिखेगी, करेक्ट है। ये देखो ये दोनों सीधे हो गए और फिर जो फोर्थ वाला आ रहा है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा ऐसे। तो इससे आपको मिलेगा स्क्वायर प्लेनर। अभी इसमें प्रॉब्लम ये हुआ है कि अगर ये sp3 होता तो एंगल होता 109°28', बट अभी यहाँ पे आप एंगल देखोगे तो 90° का है। तो 90° और 109°28' में तो बहुत डिफरेंस है। तो ये वाला कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। और अगर आप इसका नाम पढ़ोगे तो इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर। ये देखो एक पाम में आ गया, प्लेनर है और इससे क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर। तो स्टूडेंट्स दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इसके ऊपर बहुत एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल है वो कौन सा है, dx²-y² इस तरीके से, ये हो जाएगा dx²-y², ठीक है, dx²-y². फिर आता है s ऑर्बिटल इस तरीके से, फिर आएगा px इस तरीके से और फिर आएगा py, वो इस तरीके से होगा। इन चारों के कॉम्बिनेशन से हमको मिलेगा dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और वो वाला शेप वाइज क्या होगा बच्चों, स्क्वायर प्लेनर होगा। देखिएगा डायग्राम में इस तरीके से, दिस इज dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल,
दिस इज ऑल्सो डीएसपी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल, डीएसपी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस इज ऑल्सो डीएसपी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर हम देखें तो यहां पे ये जो डीएसपी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल है उन्होंने सबने कितने का एंगल बनाया बच्चों, 90-90 का एंगल बनाया। ठीक है, तो अगर मैं इसको और बॉन्ड वाइज फॉर्मूला में देखो तो ये आपको एक सिंपल क्रॉस के फॉर्म में दिखेगा इस तरीके से, इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स आप अगर यहां पे देखोगे तो इस वाले कंपाउंड का जो ज्योमेट्री होगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। इसका ज्योमेट्री हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। प्लेनर क्यों, बिकॉज एक ही प्लेन में आ रहा है। यहां पे आपको दो टाइप के बॉन्ड एंगल देखने को मिलेंगे, बॉन्ड एंगल्स दो टाइप के देखने को मिलेंगे, एक तो आपको 90 वाले देखने को मिलेंगे और एक आपको 180 वाले देखने को मिलेंगे। सो 90 वाले स्टूडेंट्स कितने होंगे जरा देखते हैं, गिनते हैं मेरे साथ। आप देखिएगा 90 वाले, एक ये होगा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ऊपर तो बेटा पूरा प्लेन है, नीचे भी पूरा प्लेन है, तो टोटल 90 वाले कितने हो जाएंगे, चार। कैसे, ये देखो, दिस इज वन, ये टू और ये थ्री और ये फोर। सो 90 डिग्री वाले कितने हो जाएंगे, फोर। अगर मैं देखू 180 वाला, तो एक तो ये 180 वाला और एक ये 180 वाला, तो टोटल 180 वाले एंगल कितने हो जाएंगे, दो। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसा कोई है क्या कि इनके बीच में एंगल अलग, 180 वाला तो गिनो ही मत, क्या 180 वाले के अलावा कोई दो टाइप के एंगल है, नहीं। तो इसका मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो रेगुलर है कि इरेगुलर है, रेगुलर ज्योमेट्री है। सो दिस इज व्हाट, रेगुलर ज्योमेट्री। ठीक है, आपको कभी भी कार्बन इस फॉर्म में नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि ये कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बहुत ही ज्यादा यूज आने वाला है। इसमें याद रखना जो डी ऑर्बिटल है वो कौन सा है, डीएसपी टू है, कौन सा है, डीएसपी टू, एंड इसका ज्योमेट्री हो जाएगा बच्चों, इट इज स्क्वायर प्लेनर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये बहुत ही कॉमन, क्लास 12 में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत ही कॉमन हाइब्रिडाइजेशन है कोऑर्डिनेशन में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपाउंड ऑफ कार्बन में कभी ये देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड रेयर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, रेयर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, देन इट इज डीएसपी3। नाउ स्टूडेंट्स डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन sp3d एंड dsp3। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में बेटा डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप लोग, इन दोनों में डिफरेंस है और वो डिफरेंस मैं आपको समझाऊंगा और आपको क्लियर भी करूंगा, बिकॉज इसको बहुत बार गलत तरीके से भी सिखाया जाता है, बट मैं आपको इसका कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझाऊंगा, आपको नोट्स में भी इसको अच्छे से लिखना है ना। DSP3 हाइब्रिडाइजेशन भी बहुत ही अनकॉमन एग्जांपल है। अगर हम बात करें DSP3 और sp3d, इन दोनों में फर्क क्या है सर, इन दोनों में फर्क ये है, ये जो डी ऑर्बिटल वाला है वो अंदर वाले शेल का डी ऑर्बिटल है, राइट, ये अंदर वाले शेल का डी ऑर्बिटल है और ये वाला जो डी ऑर्बिटल है वो बाहर वाले शेल का डी ऑर्बिटल है। सर आपने जो बोला ना पूरा ऊपर से गया, ठीक है मैं एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं बोलू 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 4s2 आता है, 4s2 आता है, तो 4s2 के बाद 3d10 आता है, तो मैंने पहले 3d लिख दिया बेटा, फिर बाद में 4s लिखूंगा, पहले 4s ही आएगा, चिंता मत करो, मैं खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ। 4s2, 3d10 को पहले लिख दिया 4s2, फिर आएगा 4p6 एंड 4d10, इस तरीके से आएगा। तो आप मुझे बताओ इन सबके इलेक्ट्रॉन सब लोग हटा देते, समझो, इमेजिन करो s का एक, p के तीन और d का एक, हाँ तो ध्यान देना, s का एक, p के तीन और d का एक, s का एक, p के तीन और d का एक ऑर्बिटल अगर मिक्स होगा तो ये क्या बनेगा, sp3d बनेगा, क्या बनेगा, sp3d, और इसमें जो d ऑर्बिटल था वो कौन सा था, dz2 था, ये तो हमने पढ़ा था, बट इन केस समझो ये वाला d ऑर्बिटल ना यूज होके अगर अंदर वाला d ऑर्बिटल का सिर्फ लास्ट वाला ऑर्बिटल यूज हो जाए, लास्ट वाला ऑर्बिटल यूज हो जाएगा बच्चों, तो यहां पे d आएगा, खाली एक ही ऑर्बिटल यूज हुआ, अंदर वाले का यूज हुआ है, वो भी देखो डिफरेंस कितने का, इसका 4 है इसका 3 है, तो एक डिफरेंस तो वैसे भी चलता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी हो गया, फिर एस हो गया और पी के कितने हो गए बेटा, 3, तो ये डीएसपी3। अभी यहां पे जो डी ऑर्बिटल है
वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। देखो डीएसपी टू है, अभी सिर्फ डीएसपी थ्री हो गया है, तो डीएसपी टू तक ये तो पूरा का पूरा सेम ही रहेगा। तो आप बताओ यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल था वो कौन सा था, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे अगर ये लेना था तो डी जेड स्क्वायर था बेटा। तो दोनों अलग अलग केसेस है कि सेम केसेस है, दोनों अलग अलग केसेस है। याद रखना बच्चों, इसका ज्योमेट्री और इसका ज्योमेट्री अलग आता है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। तो यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल होगा वो कौन सा होगा, टेल मी, इट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एस का एक, फिर पी एक्स, फिर पी वाई। यहां तक तो सर हमको पता ही था, तो कैन वी से दैट यहां तक तो ये बन ही गया। हाँ सर, ये तो बन ही गया। फिर इसमें एक एक्स्ट्रा कौन आ गया सर, पी जेड। तो कह रहे हैं बेटा ये कौन सा प्लेन में है, सर ये तो एक्स वाई प्लेन है, तो जो नया वाला आएगा वो किस साइड से आएगा, वो ऊपर से आएगा, इसको परपेंडिकुलर आएगा बच्चों। तो कहना है से ये क्या हो गया था बेटा, स्क्वायर और ऊपर एक ही पॉइंट आ रहा है, तो इससे क्या बनेगा, स्क्वायर पिरामिड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर पिरामिडल, बाय पिरामिडल नहीं, नीचे कुछ नहीं है देख लो, खाली एक ही साइड में ये ग्रुप आ रहा है, ठीक है, और ये इसको नीचे धकेलेगा तो बेटा इन चारों में भी रिपल्शन हो जाएगा, इसलिए वो वापस 90 डिग्री पे आके रुक जाएंगे। तो याद रखना बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर बाय पिरामिडल नहीं, स्क्वायर पिरामिडल। तो यहाँ पे यहां तक तो सब कुछ सेम ही था, यहां तक तो सब कुछ सेम ही था, खाली एक एक्स्ट्रा कौन आ गया बच्चों, पी जेड आ गया। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो इसको हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां पे आपका एस ऑर्बिटल ये वाला हो जाएगा, पी एक्स, ये सब हम लोग जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहां पे इन सबको यूज करना है, और वहां पे अगर ये हाइब्रिडाइजेशन आपने नहीं पढ़े होंगे तो वहां पे आपको जब सिखाया जाएगा तो आप बोलोगे ये क्या है, ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ ना, एनओसीबी में इतना समय क्यों लगता है, बिकॉज हर चैप्टर का इसके अंदर झलक देखने को मिलेगा, ठीक है ना, हर चैप्टर का आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ तो पॉइंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो ये भी आपका स्क्वायर पिरामिडल, पहले तो स्क्वायर प्लेनर बनाना पड़ेगा मुझे, ये देखो इस तरीके से स्क्वायर प्लेनर बन गया, और फिर इसके ऊपर एक बॉन्ड और हो जाएगा जिसको मैं अलग कलर से दिखाऊंगा इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स यहां पे ये वाला इस तरीके से, बहुत ही रेयर है सब एग्जांपल्स, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उनको थोड़ा सा पेपर टफ या अलग बनाना है, ठीक है ना, तो डेफिनेटली वो लोग ऐसे हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे। तो मैं तो आपको एक ही बोलूंगा, मेरा तो एक ही गुरु मंत्र है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। कठिन से कठिन पेपर के लिए प्रिपेयर कर लो एंड होप करो कि अपना पेपर इजी ही आए, बट हमको ही आए, ठीक है। चलिए तो आप मुझे बताओ यहाँ पे बेटा इस वाले कंपाउंड की ज्योमेट्री के बारे में अगर मैं आपको पूछूं, तो ये कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या होगी, इस कंपाउंड की ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। बहुत बार इसको जनरली क्या बताया जाता है कि DSP3 और SP3D दोनों सेम है, ऐसा नहीं है, इस केस में नहीं है एटलीस्ट, ठीक है। ज्योमेट्री हो गया, उसके बाद में अगर मैं आपको बॉन्ड एंगल पूछूं, तो बॉन्ड एंगल कितने होंगे बच्चों, बॉन्ड एंगल सबसे पहली बात तो मुझे था ये बेटा चार तो 90 थे ही, एक दो तीन चार, और इसके ऊपर जब ये आएगा तो इनके बीच में भी तो और चार 90 हो गए। वापस बोलूंगा ये नीचे नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि नीचे जाएंगे तो इन चारों में रिपल्शन हो जाएगा। हाँ, ये तीन ही होते तो रिपल्शन कम होता, बट चारों जब नीचे जाएंगे तो और रिपल्शन बढ़ जाएगा, इस वजह से वो हमेशा 90 डिग्री पे रहेंगे हर एक में, क्योंकि उससे सिमेट्रिकल क्या बनेगा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनेगा और वो वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो आप बताओ यहाँ पे चार तो 90 के थे, एक ये ऊपर आने से बेटा यहाँ पे और 90 के कितने हो गए, चार हो गए कि नहीं हो गए, तो टोटल 90 वाले कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो बॉन्ड एंगल में बच्चों 90 डिग्री वाले 8 हो जाएंगे और 180 डिग्री वाले तो फिक्स है बच्चों कितने, दो, क्योंकि 180 वाला तो एक ही है और एक ही है। क्या इसमें 180 के अलावा भी कोई एंगल है, सर नहीं, तो डेफिनेटली इट इज अगेन विल हैव अ डैश ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री, इट विल हैव अ डैश ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट दिस इज अगेन वेरी वेरी रेयर बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। सो स्टूडेंट SP3D and DSP3, they are not same. यहाँ पे जो d orbital use हुआ है वो d x square minus y square use हुआ है, और वहाँ पे जो d orbital use हुआ है वो कौन सा हुआ था, d z square use हुआ था, ठीक है। So keep this in mind. Now students, इसके बाद
आपको एक और बात बता दूं कि जो C है, अगर हम D2SP3 लेते हैं और SP3D2 लेते हैं, बोथ आर सेम, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो डी ऑर्बिटल है वो सिर्फ अंदर वाला डी ऑर्बिटल है, n-1 वाला, ठीक है, और इसका जो डी ऑर्बिटल है वो आगे वाला डी ऑर्बिटल, दैट्स इट, नथिंग डिफरेंस। बोथ केसेस में डी जो है वो कौन सा होगा, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन बोथ द केसेस जब डी ऑर्बिटल इज सेम, इट इज डी जेड स्क्वायर एंड इट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स कीप दिस इन माइंड और इसको याद रखना प्लीज, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट है, वहां पे डिफरेंट, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद अगर आप मुझे पूछोगे सर कि D3SP3 एंड SP3D3 क्या ये दोनों भी सेम है, यस yes, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे जो d ऑर्बिटल्स है वो सेम है, डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई, ये भी बच्चों सेम है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। तो अभी तक हमने जो एक्स्ट्रा हाइब्रिडाइजेशंस पढ़े हैं वो सिर्फ दो ही थे, वो कौन से थे, एक तो DSP2 जिसको स्क्वायर प्लेनर बोला जाएगा एंड एक था बच्चों DSP3 जिसका नाम है स्क्वायर पिरामिडल। कीप दिस इन माइंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक जो बहुत ही रेयर, आई कैन गारंटी यू, ठीक है, आई कैन गारंटी यू स्टूडेंट्स, आई एम सेइंग विद माय कॉन्फिडेंस, आई कैन गारंटी यू कि ये वाला हाइब्रिडाइजेशन बहुत सारे टीचर्स को भी नहीं पता है, ठीक है ना। आई डोंट वांट टू से कि उनको ये नहीं है या कुछ है, बट जस्ट आई एम सेइंग बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व विद मेनी अदर ऑल्सो, ये बहुत ही अनकॉमन हाइब्रिडाइजेशन है, बहुत ही अनकॉमन, और ये हाइब्रिडाइजेशन बहुत लोगों को नहीं पता है। जब मैं ऑफलाइन में भी सिखाता हूँ, ठीक है ना, जो रिपीटर के बच्चे भी होते हैं बहुत बार, वो लोग भी बोलते हैं सर ये हाइब्रिडाइजेशन तो हमको बताया ही नहीं कहता, ठीक है ना, ये तो कभी कभी चलो सुना लगता है क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देख लेते हैं, बट जो हाइब्रिडाइजेशन अभी मैं बताने वाला हूँ बहुत ही रेयर हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, आप भी टेस्ट कर सकते हो, किसी के साथ किसी को पूछ के देख सकते हो ये हाइब्रिडाइजेशन सुना है क्या, तो वो लोग भी आपको 99.9% लोग यही बोलेंगे ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो स्टूडेंट्स रेयरेस्ट केस में द ओनली हाइब्रिडाइजेशन विच इज लेफ्ट इज D3S। अब ये D3S नाम देख के बोले D3S क्या है, सो D3S हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, बट अभी तक मैंने देखा है कि ये कभी पूछा नहीं गया है, तो ये एक बहुत ही रेयर एग्जांपल है जो अगर इन केस आ गया तो कहने से बहुत सारा कंट्रोवर्सी खड़ा हो जाएगा कि बहुत सारे बोलेंगे ये तो हाइब्रिडाइजेशन हमने कभी देखा ही नहीं, बुक में दिया नहीं है। तो इफ यू रेफर नॉर्मल बुक्स तो डेफिनेटली आपको 101% नहीं मिलेगा, बट इफ यू रेफर हायर बुक्स, थोड़े से लेवल वाइज बुक्स रेफर करोगे तो आपको डेफिनेटली ये वाला हाइब्रिडाइजेशन भी देखने मिलेगा। तो स्टूडेंट्स डू रिमेम्बर, इसके अंदर जो डी ऑर्बिटल्स है वो अंदर वाले हैं जिसके लिए पहले लिखे जाते हैं, ठीक है ना। जब आपको मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सिखाऊंगा तब वहां पे बहुत ही क्लियरली मेंशन करूंगा कि अगर डी ऑर्बिटल अंदर वाला है तो इसको बोलेंगे इनर कॉम्प्लेक्स, नाम से पता चलता है ना। अभी सर आप अभी क्यों बता रहे हो, हमको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स, पढ़ते जाओ सीखते जाओ चीजों को आप समझते जाओगे। सो डी ऑर्बिटल अगर अंदर वाला यूज हुआ है तो हम लोग वहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, अभी भले आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है बट फिर भी मैं क्या है, मैंने आदत है बटो सिंपल से जो चीजें होती है बेटा मैं बार बार अलग अलग चैप्टर्स की कनेक्ट करते जाता हूँ, उससे क्या होता है आपको पूरे केमिस्ट्री का एक फ्लेवर मिलेगा। देखो आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको वहां पे ऐसा तो नहीं मिलेगा कि ये चैप्टर का ये क्वेश्चन है चलो इसको सॉल्व करो, कोई चैप्टर का नाम नहीं लिखा होगा, कोई टॉपिक का नाम नहीं लिखा होगा, आपको तो क्वेश्चन फ्लैश होगा, ठीक है ना। अगर ऑनलाइन की बात करें, ऑफलाइन की बात करें तो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा होगा, तो आपको तो पहले समझना पड़ेगा ये कौन से चैप्टर का है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वजह से मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप लिंक करके नहीं पढ़ोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मेरा आदत एक ही है केमिस्ट्री में, आप भले नीट के स्टूडेंट हो सर हम तो आगे डॉक्टरी करने वाले हैं हमको इतना केमिस्ट्री से क्या लेना देना, जब आप 12th में 11th में हो तब आपको केमिस्ट्री से प्यार करना ही है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको चीजें बताऊंगा ऐसे क्यों होता है, तो उससे बेटा केमिस्ट्री की तरफ अपना एक अट्रैक्शन एक अफेक्शन क्रिएट होता है। केमिस्ट्री को हम लोग इमोशनली थोड़ा सा अच्छे से दिल से पढ़ेंगे तो उससे हमारा अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा, और हमारा अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा तो केमिस्ट्री हमको एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर देके जाएगी, ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट करें, ये D3S जो है वो कौन सा है, जो
अगर डी ऑर्बिटल अंदर वाला यूज हुआ है तो हम उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे, इनर कॉम्प्लेक्स, बिकॉज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बोलते हैं, तो हम लोग इनर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। डी ऑर्बिटल बाहर वाले साइड का यूज हुआ है अब्बा प्रिंसिपल में, ऐसे हायर एनर्जी वाला या हायर सबशेल वाला यूज हुआ है, तो हम उसको बोलेंगे आउटर कॉम्प्लेक्स। तो दो टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक होता है इनर कॉम्प्लेक्स और एक होता है आउटर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे भी जो डी ऑर्बिटल यूज हुआ है वो अंदर वाले साइड का ही यूज हुआ है। यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल है, कीप दिस इन माइंड, ठीक है, तो डेफिनेटली एन माइनस वन होगा। ये जो डी ऑर्बिटल है वो है डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, डी एक्स जेड। ये जो डी ऑर्बिटल है वो बेटा तीन है, कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के ऊपर नहीं है, मैंने सिखाया था बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के ऊपर नहीं, इन बिटवीन द एक्सिस, एक्स वाई मतलब एक्स और वाई के बीच में, वाई जेड मतलब वाई और जेड के बीच में, एक्स जेड मतलब एक्स और जेड के बीच में, और इसमें नेक्स्ट वाला ऑर्बिटल कौन सा होगा, एस ऑर्बिटल ही होगा। नाउ स्टूडेंट्स, एक इंटरेस्टिंग चीज, बहुत इंटरेस्टिंग, इन सबके कॉम्बिनेशन से भी जो चार नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, कौन से नए ऑर्बिटल्स, चार नए ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, उनका भी बेटा शेप एक ही होता है, दैट इज टेट्राहेड्रल। इस वजह से इसको हम लोग जनरली, अगर कहीं इन केस देखने को भी मिल जाए तो हम लोग बेटा इसको sp3 ही बोल देते हैं, बहुत सारे टीचर्स बेटा इसको sp3 ही बोल देते हैं, यार ये तो टेट्राहेड्रल ही तो है, देखो शेप वाइज भी प्रूव हो रहा है, बट उसमें हाइब्रिडाइजेशन में अगर ऑप्शन में sp3 भी दिया है और d3s भी दिया है तो डेफिनेटली बेटा आंसर d3s हो जाएगा। अभी हमको कैसे समझेगा, तो जैसे जैसे हम लोग आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वहां पे पूरे मैंने वीडियो लेक्चर्स बना दिए हैं, तो वहां पे इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन भी होगा, इनको कैसे कहां पे कौन सा एग्जांपल, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो कभी ये शो करेंगे नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है। सो यहाँ पे भी कौन सा शेप आएगा, टेट्राहेड्रल आएगा, और बॉन्ड एंगल वापस से सेम 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, और उसके एंगल्स कितने हो जाएंगे 6, एंड इट इज अगेन गोइंग टू बी अ डैश ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने टोटल जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, वो हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से थे, sp था, sp2 था, sp3 था, sp3d था, sp3d2 था, sp3d3 था, फिर उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट अदर एग्जांपल्स हमने पढ़ा, dsp2, dsp3 एंड d3s। नाउ दिस इज वेरी वेरी रेयर, आई वुड रिकमेंड यू कि इसको आप लोग अच्छे से स्टार मार्क करना, वरना डेफिनेटली आप इसको एग्जाम के टाइम में रिवाइज करके नहीं जाओगे, ठीक है। तो इसको बेटर याद रख के जाना, और ये दोनों में बेटा कोई डिफरेंस नहीं है, जो वहां पे शेप था वही यहाँ पे शेप होगा। हाँ, dsp3 और sp3d में डेफिनेटली शेप अलग है, बहुत बार दोनों को सेम माना जाता है, बहुत सारे लोग सेम भी बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है, इसका शेप थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसका फोटो लो, फिर हम लोग थोड़ा सा परसेंटेज एस कैरेक्टर के बारे में वापस डिस्कस करते हैं। Okay, students, so let us complete this table, hybridization type and percentage S character. अगर आपको hybridization दिया है किसी compound का और उसके अंदर percentage S character, percentage P और percentage D के ऊपर question पूछा जाए, ठीक है, तो वो आपको solve करने आना चाहिए, और ये percentage वाला concept मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, ठीक है। तो students, it's very simple, थोड़ा सा mathematical है, कुछ करना तो है नहीं बेटा, हमको सिर्फ जो भी number of ऑर्बिटल्स है उनको टोटल नंबर से डिवाइड करना है, बस एक एक को डिवाइड करते जाना है, आपको परसेंटेज मिल जाएगा। आई थिंक सबको sp2 और sp3 का तो पता ही है, तो आगे का भी हम लोग डिस्कस करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें sp की, तो sp में तो d है ही नहीं बच्चों, sp में तो d है ही नहीं, परसेंटेज s कैरेक्टर इज गोइंग टू बी 50%, ठीक है, परसेंटेज p कैरेक्टर इज गोइंग टू बी 50%, और परसेंटेज डी कैरेक्टर नहीं होगा। sp2 की बात करें तो sp का कैरेक्टर होगा 33.3%, ये हो जाएगा 66.7%, ठीक है, तो डी ऑर्बिटल तो है ही नहीं, तो परसेंटेज डी कैरेक्टर जीरो। sp3 की बात करें तो ये 25% हो जाएगा और ये 75% हो जाएगा, और यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। अगर हम इसकी बात करें तो कहने से टोटल ऑर्बिटल्स कितने बच्चों, 5 है, यहाँ पे S का 1, P के 3 और D का 1, तो अगर हम बात करें तो हर एक का कितना होना चाहिए बच्चों, इसका 20% होगा, ठीक है ना, कितना 20, क्यों, क्योंकि 5 लोग हैं अगर, तो हर एक को कितना मिलेगा 20%, तो P के 3 है तो 20 प्लस 20 प्लस 20 60% हो जाएगा P कैरेक्टर,
कितना 60% और डी ऑर्बिटल भी आ गया तो डी ऑर्बिटल को भी कितना हो जाएगा 20%। तो टोटल करके देखो 100 हो रहा है, हर एक का 20 और पी का 20 × 3 बिकॉज तीन लोग थे। अभी अगर हम बात करें टोटल कितने हैं, छह, कैसे, एक और इसके तीन, चार, चार दो छह, तो छह है तो बेटा डिफरेंट डिवाइड बाय 100 करूंगा तो कितना आएगा इसमें, इसका तो बेटा 50% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50%। क्यों 50%? क्योंकि छह के आधे बेटा तो यही लेके जा रहा है, तो बचा कितना, तीन बचा, अभी इसमें इसका और इसका आधा आधा हो जाएगा, तो इसका बच्चा हो जाएगा 33% और इसका हो जाएगा इसका आधा, दैट इज 16.5%। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, इतना ही आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे टोटल सात लोग हैं, ठीक है ना, उसमें से बेटा अगर हम देखने जाए तो हर एक का किसका किसका कितना हो जाएगा 43% हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 43%, और यहाँ पे SP3D3 होगा इसका भी बेटा कितना हो जाएगा 43%। अगर आप डिवाइड करोगे तो उतना ही आएगा, 100 डिवाइड बाय 7 करना, 100 डिवाइड बाय 7 करना, तो आंसर 14.5 के आजू बाजू में आएगा, ठीक है। सो 14%, सॉरी 14% के आजू बाजू आएगा, ठीक है, अप्रोक्स है, अप्रोक्स 14%। सो ये टेबल आपको याद रखना नहीं है, खाली इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से परसेंटेज निकाला जाता है, ठीक है। तो जैसे अगर SP3D है तो एक, तीन, चार और एक, पांच हो गया, तो 100 डिवाइड बाय 5, ठीक है, 100 डिवाइड बाय 5, तो 100 डिवाइड बाय 5 इज 20, तो इसको 20 आएगा, इसको 20 × 3 आएगा और इसको 20 आएगा, तो ये देखो इसी तरीके से लिखा मैंने ये वाला। तो स्टूडेंट दिस इज द कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अभी हाइब्रिडाइजेशन बेटा कौन कौन से टाइप्स के होते हैं वो मैंने डिस्कस किया है, अभी तक हाइब्रिडाइजेशन खत्म नहीं हुआ है। अभी फ्यूचर लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे, अगर आपको कोई भी कंपाउंड दिया है, जैसे PCl5 दे दो, PCl3 दे दो, CH4 दे दो, कुछ भी कंपाउंड दे दो, ठीक है, उस कंपाउंड में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर, आज का लेक्चर मैं छोटा ही बना रहा हूँ, बहुत ही छोटा वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे मेन जो रिमेनिंग टाइप के हाइब्रिडाइजेशन थे उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना था, वो मैंने कर दिया, इसके साथ मैं दूसरी चीजों को मिक्स नहीं करना चाहता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली, आगे पूरे केमिस्ट्री में नेक्स्ट लेक्चर जान फूंक देगा बेटा, ध्यान देना एकदम अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी कंपाउंड दिया हो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, कुछ भी कंपाउंड हो, आरपी ट्रिक से आप उसका हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 सेकेंड में निकाल पाओगे। तो स्टूडेंट बहुत ही अच्छा ट्रिक बनाया मैंने, आरपी ट्रिक गुरु मंत्र होगा आप लोगों के लिए, किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी भी सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन आप चुटकियों में 15 से 20 सेकंड में निकाल पाओगे। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो मैंने बहुत छोटा बनाया, हाइब्रिडाइजेशन के डिफरेंट टाइप्स हम लोग एक बार वापस देखे, तो एसपी था, SP2 था, SP3 था, SP3D था, SP3D2 एंड SP3D3 था, और स्पेशल केसेस में हमने पढ़ा DSP2, DSP3 एंड D3S अलग टाइप था, D2SP3, SP3D2, D3SP3, SP3D3 दोनों सेम है, खाली ये है कि अगर अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ये देखो आपने अभी खुद बोला कि नहीं बोला। तो स्टूडेंट चीजें धीरे धीरे बार बार सुनने से ही याद होगी, इनर कॉम्प्लेक्स और बाहर वाला डी ऑर्बिटल होगा तो आउटर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आज के जो लेक्चर में मैंने हाइब्रिडाइजेशन सिखाया वो कभी देखने को नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही देखने मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लोगे। तो स्टूडेंट्स वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद हाउ टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन इन एनी गिवन कंपाउंड, बिकॉज अभी हाइब्रिडाइजेशन के आपको सब टाइप्स पता चल गए और उनको हम लोग यूज करके कंसेप्ट्स को पढ़ के हाइब्रिडाइजेशन कंपाउंड में निकालना सीखेंगे। स्टूडेंट्स सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।